सिस्टर, अपना पर्स तो भूल जाते हो हमेशा, पर्स तो लेके जाया करो। ओ शिट, ये तो इसे भारी पर्स देने के लिए आ गई। मैंने सोचा था इसका पति अंदर जाएगा पर्स लेने के लिए और मैं बाहर ही बाहर चला जाऊंगा। एक काम करता हूँ, यहीं छुप जाता हूँ, ज्यादा हिलडुल नहीं करूंगा, वरना कहीं इसने मेरे को देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे शीतल, क्या करूँ यार, ऑफिस में इतना काम ही होता है कि कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ, याद ही नहीं रहता। अच्छा चलो ठीक है, गाड़ी में ड्राइवर वेट कर रहा है तो मैं शाम को मिलता हूँ। चलो मिलता हूँ शाम को, बाय बाय। ध्यान से जाना। ठीक है चले। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अभी तक गए नहीं? अरे तो मुझे थोड़ी पता था कि तू पर्स देने बाहर चली जाएगी। वो तो शुक्र है तेरे पति ने मुझे देखा नहीं लटकता हुआ, वरना सच में ही लटका देता आज। यार आजकल पता नहीं उनको क्या हो गया है, रोज कुछ ना कुछ घर पे भूल जाते हैं। ठीक है तू ये बता, अब वापस तो नहीं आएगा ना तेरा पति? तो फिर चले अब रूम में। हाँ चलो। सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो जो लड़की थी आपके घर पे, वो कौन है? वे यार तू कैसी बात कर रहा है, जो मेरे साथ रहती है वो मेरी वाइफ होगी ना। अब हम अकेले रहते हैं, पहले मम्मी पापा भी यहीं रहते थे लेकिन वो गांव चले गए। सर आपकी वाइफ का ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? गाड़ी रोक। ये क्या बकवास कर रहा है तू, तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? रात की उतरी नहीं है क्या अभी तक? सर मैंने जो देखा मैं तो वही बता रहा हूँ। क्या देखा है तूने, बताइयो मेरे को। सर जब मैं आपको पिक करने आया था तो आप अपनी बीवी से बात कर रहे थे, तब मेरा ध्यान आपकी बालकनी पे गया, वहाँ पे एक लड़का लटका हुआ था। वो भी बिना कपड़ों के। ये क्या बकवास कर रहा है तू, तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? हाँ अच्छा मैं समझ गया, तू ये चाहता है ना कि तू अपने दोस्तों के बीच बैठे तो तू बोल सके कि देखो मुकुल सर के घर में मैंने कलेश करवा दिया। सर सर मैंने जो देखा मैंने वही बताया, अब मेरे को ये सब करके क्या मिलेगा? अच्छा एक काम कर, गाड़ी यू टर्न ले, चल मेरे घर। तू यहीं रुक, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मैं जा रहा हूं अंदर। बेबी आज तुम्हारे साथ टाइम बिता के ना बड़ा मजा आया, तो कल फिर मिले? अरे नहीं नहीं कल नहीं, तुम एक काम करना दो तीन दिन बाद आना। दो तीन दिन बाद? दो तीन दिन बाद क्यों मुकुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों भाई, कपड़े तो पहन लिए ना अच्छे से तूने? सेट यार मिस हो गया, थोड़ी देर पहले आता ना तो तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता मैं। क्यों शीतल, मैंने क्या कमी छोड़ रखी थी अपने प्यार में? देखो मुकुल, जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। अरे रुक भाई, कहाँ भाग रहा है तू, चुपचाप ना यही खड़ा रह, मैं तुझे मारने वाला नहीं हूं। जब सब कुछ सच मुझे पता लग ही चुका है तो क्या करूंगा मैं तुझे मार के? मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है कि क्या कमी छोड़ रखी थी मैंने अपने प्यार में, जो मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया। गेले मैं अपनी बीवी का हाथ तेरे हाथ में दे रहा हूं, बहुत शौक है ना तुझे दूसरों की बीवी के साथ रंगरलिया मनाने का, आज से संभाल ही से। देखो मुकुल मैं तुम्हें समझाती हूँ, बात यह है कि तुम चुप रहो, मुझे ना तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। अब मैंने ना चाय में मक्खी गिरी हुई देख ली है,
वो चाय में चाह के भी नहीं पी सकता। शीतल, अब मैं तुम्हें वैसा प्यार चाह के भी नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक काम करो, निकल जाओ मेरे घर से। मुकुल, मेरी बात तो सुनो। मुझे ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और हाँ, हम मिलेंगे, दोबारा जरूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, कोर्ट में, डिवोर्स के लिए। अब जाओ यहाँ से, तू भी जा।